Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Fun Academy. My name is Asha Tiwari and I'm going to revise Indian Contract Act 1872 with you people. So without wasting any time further, let us start from the very beginning. I'll be discussing the sections, but please do not expect me to go into details of every section because this class is a rapid revision series of Indian Contract Act. So I'll take all the sections as far as possible and if not, then we'll continue it in the second class. But कोशिश तो यही रहेगी कि आज ही हम जो important important sections हैं उनको खत्म करें. लूंगी सारे sections, but एकदम detail में आपको मैं नहीं explain कर पाऊंगी, उसके लिए आप मेरी बाकी क्लासेस देख सकते हैं. स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम शुरुआत से, सेक्शन नंबर वन से. सेक्शन नंबर वन हमेशा की तरह शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमेंसमेंट की बात करता है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इसके डेफिनेशन क्लॉज जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेफिनेशन क्लॉज में आपको सारे ही जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगी. तो शॉर्ट टाइटल पे जब आप आते हैं, आप देखते हैं कि शॉर्ट टाइटल आपसे यही बोलता है कि इस एक्ट को हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलेंगे. ये पूरे भारत पर लागू होता है दोस्तों और ये फोर्स में कब आया, फर्स्ट डे ऑफ सेप्टेम्बर 1872. उसके बाद हम आते हैं इसके इंटरप्रिटेशन क्लॉज में. इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है वो हमें सबसे पहले बताता है कि प्रपोजल क्या होता है. तो प्रपोजल में ये लिखा हुआ है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी विलिंगनेस किसी चीज़ को करने के लिए या किसी काम से अपने आप को रोकने के लिए किसी चीज़ की असेंट देता है, तो हम कहते हैं कि वो एक व्यक्ति को प्रपोजल दे रहा है. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. जैसे कि मैं अगर किसी काम को करने के लिए, किसी काम से रोकने के लिए अगर आपसे कुछ कह रहा हूँ जिससे कि आप उसके लिए हामी भरें, तो मैं आपको जो है प्रपोजल दे रहा हूँ. आ जाते हैं टू बी पे. तो टू बी जो है वो सीधे सीधे हमसे बात करता है किस चीज़ की. टू बी हमसे बोलता है कि प्रॉमिस क्या होती है. तो जब एक व्यक्ति इस प्रपोजल पे अपनी हामी भर दे, एसेंट दे दे, तो वो हो जाती है प्रॉमिस. अब जो व्यक्ति प्रपोजल कर रहा है उसको हम प्रोमिसर बोलते हैं, जो व्यक्ति अग्री कर रहा है उसको हम प्रोमिसी बोलते हैं. ये टू सी बताता है. टू डी कंसिडरेशन की बात करता है और वो कहता है कि जब इस ट्रांजैक्शन में कोई भी ऐसी चीज आ जाती है जिससे कि एक व्यक्ति ने प्रॉमिस किया है कि वो किसी चीज को करेगा या एब्सटेन करेगा, ठीक है, तो ये जो एक्ट है ऑफ एब्सटिनेंस और कमिटमेंट, दिस इज द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. टू ई अग्रीमेंट को डिफाइन करता है और कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू इच अदर इज एन अग्रीमेंट. टू एफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की बात करता है और कहता है कि वो प्रॉमिसेस जो एक दूसरे का, दे फॉर्म द कंसिडरेशन ऑफ इच अदर, दे आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. टू जी जो है वो इंपॉर्टेंट है और वो कहता है कि कोई भी अग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है वो वॉइड है. टू एच जो है वो कहता है कि कोई भी अग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है. तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ पर डिफाइन की गई है, टू एच में. और टू एच कहता है कि एन अग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. टू आई में जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया और कहा गया है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों में से किसी भी पार्टी के द्वारा जाके बताया जा सके कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ऑप्टेन किया गया है थ्रू फ्रॉड, थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस, विदाउट कंसेंट, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं. और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है जो पहले चल रहा था वो पहले वैलिड था, सॉरी, उसके बाद जब एक पार्टी गई उसने कोर्ट को इत्तला दी तो वो वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है. तो हमेशा याद रखिएगा, एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी इज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अब आ जाते हैं टू जे पे. टू जे जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल. वो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. अब हम आते हैं कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल. अब इसको जो है आप एक बार ध्यान से जो मैं बता रही हूँ उसको सुनिएगा. सेक्शन थ्री जो है वो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल के बारे में बात करता है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल होता है और रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल होता है, ठीक. सेक्शन फोर हमें जो है बताता है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है. हालांकि ये बोलते हैं कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, लेकिन ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट में तीन बातें बताते हैं. पहला तो कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है, दूसरा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है और तीसरा कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कब कंप्लीट होता है. तो तीनों चीजें सेक्शन नंबर फोर में दे रखी हैं, याद रखिएगा. फिर से बोल रही हूँ, सेक्शन थ्री कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल के बारे में बात करता है, जबकि सेक्शन फोर जो है वो हमें कम्युनिकेशन कब 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 यानी एक्सेप्टेंस, प्रपोजल और रेवोकेशन इन तीनों का पूरा फॉर्मेट बताता है. केवल जो है डेफिनेशन की बात करें तो थ्री बात करता है, मोड जो है वो फोर बात करता है. अब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट होता है जब वो उस व्यक्ति की नॉलेज में आ जाए जिसको किया गया.
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? अगेंस्ट द प्रपोजर तब कंप्लीट होता है व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। एंड इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन के मतलब कि आपके हाथ से अब चीज निकल चुकी है, वो चीज अब ट्रांसमिशन में आ गई है। और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर तब वो कंप्लीट होता है क्या? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जब वो प्रपोजर की नॉलेज में आ जाए। अब कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, रेवोकेशन का मतलब है किसी चीज को रिवोक करना, खत्म कर देना। तो इस रेवोकेशन को यानी कि प्रपोजल को रिवोक भी कर सकते हैं, तो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? तो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन एक व्यक्ति के लिए जिसने की है रिवोक, वो तब कंप्लीट मानी जाएगी जब वो अपने हाथ से निकल गई है, यानी कि इट इज पुट इन टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। और उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके लिए दी गई है, जब उसकी नॉलेज में आ जाए तब मान लिया जाएगा कि रिवोक हो गया। ये है आपका सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन नंबर 5 पे अब आप आ जाइए। सेक्शन नंबर 5 आपसे बात करता है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो इन्होंने कहा है कि प्रपोजल को रिवोक कब किया जा सकता है? तो एक प्रपोजल को किसी भी टाइम पे रिवोक किया जा सकता है जब तक कि उसकी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो ना मिली हो। अगर एक बार जो है एक्सेप्टेंस मिल गई है तो उसको रिवोक जो है नहीं किया जा सकता। एनी टाइम बिफोर एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर एक्सेप्टेड बट नॉट आफ्टरवर्ड। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे को एक प्रपोजल मिला, तो मैंने पहले एक्सेप्टेंस भेज दी और उसके बाद मैंने रेवोकेशन भेज दी। अब अगर रेवोकेशन मिल जाती है आपको पहले, तो वो रिवोक माना जाएगा, लेकिन अगर आपको एक्सेप्टेंस पहले मिल गई तो वो एक्सेप्टेड माना जाएगा। सेक्शन नंबर 6 हमसे कहता है कि रेवोकेशन कैसे किया जा सकता है, रेवोकेशन हाउ मेड। तो प्रपोजल को रिवोक करने के लिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। अगर लैप्स ऑफ टाइम हो गया, एक टाइम पीरियड के लिए कोई प्रपोजल था और वो अब आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो वो भी आपका प्रपोजल रिवोक माना जाता है। फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर मैंने आपसे ये बोला था कि अगर तुमको ये प्रपोजल एक्सेप्टेड है तो तुम मेरे घर आके 3 बार घंटी बजा देना। अब आपने 3 बार आके घंटी नहीं बजाई तो मैं मान लूंगी कि आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया जैसे कि मैंने आपको शर्तों के साथ बताया था, तो वो वहाँ पे भी रिवोक हो जाएगा। और चौथा, डेथ या इंसेन हो जाए अगर जो प्रपोजल है तो भी जो है रिवोकेट हो जाता है, आप रिवोक हो जाता है सेक्शन नंबर 6 के अनुसार। सेक्शन नंबर 7 हमसे बोलता है कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक्सेप्टेंस जो है एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, और उस यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होना चाहिए जैसे कि उसको एक्सेप्ट किया जा सके। सेक्शन नंबर 8 जो है वो बात करता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। अगर कंडीशन कुछ प्रपोजल में दे रखी है और आपने उसी प्रकार से जो है उन कंडीशंस को फुलफिल किया है तो वो एक्सेप्टेड माना जाएगा, यानी कि एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और अगर आपने कंसिडरेशन दे दिया है तो वारे नेरे बिल्कुल एक्सेप्टेड माना जाएगा। सेक्शन नंबर 9 जो है वो प्रोमिसेज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड की बात करता है, और वो कहता है कि प्रपोजल या एक्सेप्टेंस के लिए कोई भी प्रोमिस जो है शब्दों में की जा सकती है तो वो एक्सप्रेस होगी, और अगर उसको शब्दों में नहीं किसी प्रकार से कंडक्ट में किया जाएगा तो उसको इम्प्लाइड माना जाएगा। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाइए, वो कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड अग्रीमेंट्स की बात करता है। सेक्शन नंबर 10 हमसे होता है कि कौन से अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो याद रखिएगा, सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर उनमें फ्री कंसेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है और वॉइड नहीं है। यही चीज आपको इसमें मार्क भी करनी है। ये देखिए, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यस वन मोर, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन नंबर 11 पे। सेक्शन नंबर 11 आपसे बोलता है कि कौन व्यक्ति कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो याद रखिएगा, साउंड माइंड का हो, मेजर हो और लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड ना हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सेक्शन नंबर 12 आपसे बोलता है कि साउंड माइंड जो 11 में बोला है उसका मतलब क्या है। तो साउंड माइंड का मतलब ये है दोस्तों कि जब वो केपेबल हो अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो यूजुअली साउंड माइंड का रहता है, वो जब साउंड माइंड का है तो वो अग्रीमेंट पे साइन कर सकता है, एंड अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का रहता है, वो जब साउंड माइंड का है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेक्शन नंबर 13 कंसेंट को डिफाइन करता है, और कंसेंट का मतलब है कंसेंसस एड आइडम, यानी कि जब दो व्यक्ति एक चीज पे अग्री करते हैं, दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, तो बोला जाता है कंसेंट। कंसेंसस एड आइडम का मतलब है अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग अपॉन द सेम सेंस। सेक्शन नंबर 14 पे आ जाइए, फ्री कंसेंट को डिफाइन करता है। सेक्शन 14 कहता है कि कंसेंट तब फ्री मानी जाएगी व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, when it is not caused by undue influence, when it is not caused by fraud, when it is not caused by misrepresentation and when it is not caused by mistake. इसके sections याद कर लीजिए, coercion 15, undue influence 16, fraud 17, misrepresentation 18 और mistake जो है वो 20, 21 और 22 में दिया गया है।
अब आते हैं एक एक करके इस पे। तो सेक्शन 14 याद रखिएगा, सेक्शन 14 बात फ्री कंसेंट की करता है, लेकिन वो ये कहता है कि कंसेंट तब फ्री होगी जब उसमें ये पांच चीजें मौजूद नहीं होंगी। क्या? फिर से रिवाइज करिए, कोर्शन, अंड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 19 नहीं। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 15, कोर्जन। सेक्शन 15 कोर्जन की बात करता है। सेक्शन 15 कोर्जन का मतलब क्या है याद रखिएगा, कोर्जन का मतलब है आईपीसी में दिए गए किसी भी एक्ट को करना। ठीक है, कि वो अनलॉफुली किसी चीज को डिटेन कर सके या थ्रेटन करे टू डिटेन किसी प्रॉपर्टी को या किसी व्यक्ति को जो है नुकसान पहुंचा के, इस आशय के साथ कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट या एक अग्रीमेंट में एंटर कर सके, तो कहा जाएगा ये व्यक्ति कोर्जन एक्सरसाइज कर रहा है। और क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं है इसीलिए अग्रीमेंट कैसा होगा, देखिए सेक्शन नंबर 14 में लिखा हुआ है क्या होगा, कि अगर फ्री कंसेंट नहीं है, कंसेंट इज नॉट फ्री, तो ये देखिए, इट वुड नॉट हैव बीन गिवन आउट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्जन, अंड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। नाउ कोर्जन में आपको लिखा हुआ है कि कोर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इन टू अग्रीमेंट। ठीक, नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 16, अंड्यू इन्फ्लुएंस। अंड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर इस पोजीशन में है कि वो डोमिनेट कर सके द विल ऑफ द अदर पार्टी एंड डोमिनेट करके एक अनफेयर एडवांटेज ले सके, तो माना जाएगा ये अंड्यू इन्फ्लुएंस है। जैसे कि टीचर अपने स्टूडेंट पे, फादर अपने सन पे, डॉटर पे, लाइक वाइज। अब या कमिंग टू सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 17 आपको फ्रॉड के बारे में बताता है। फ्रॉड का मतलब है कि अगर आपने किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या उसके एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इस आशय के साथ कि आप उसको डिसीव करना चाहते हैं, और इस आशय के साथ डिसीव करने के आशय के साथ डिसीव करने के इंटेंशन के साथ आपने उस व्यक्ति के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है, ये दिखाते हुए कि जो सत्य नहीं था वो सत्य है, ये दिखाता आपने किसी फैक्ट को कंसील किया, एक प्रॉमिस किया बिना किसी आशय के कि आप उसको परफॉर्म करने वाले थे, किसी व्यक्ति को डिसीव करने के लिए ही आपने ऐसा किया, या फिर कुछ ऐसा ओमिशन जो लॉ कहता है कि फ्रॉड की कैटेगरी में आता है वो किया, तो माना जाएगा कि आपने फ्रॉड किया है। ओके, अब इसके जो है इलस्ट्रेशन है इंपॉर्टेंट, सो प्लीज गो थ्रू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, आई मीन आई हैवन्ट टोल्ड यू आई थिंक, बट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, इसके इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज गो थ्रू। सेक्शन नंबर 18 मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करता है। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को वो इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको पता है कि सत्य नहीं है, फिर भी आपने दी है, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी अगर आपने की है, ठीक है, जिससे कि आपको एडवांटेज होता है और दूसरे को नुकसान होता है, और कितने भी इनोसेंटली अगर आपने एक व्यक्ति को किसी अग्रीमेंट में साइन करने के लिए राजी किया है जबकि आपको पता है कि ये अग्रीमेंट जो है ये मिस्टेक है, तो कहा जाएगा कि आपने मिसरिप्रेजेंट किया है। सेक्शन नंबर 19 कहता है वॉइडेबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। तो जहां पे एक अग्रीमेंट जो है वो कॉज किया गया है विद कोर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो ये अग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सॉट। तो जिसकी इसमें कंसेंट ली गई है कोर्जन में, अंड्यू इन्फ्लुएंस में, फ्रॉड में, मिसरिप्रेजेंटेशन में, माना जाएगा कि ये व्यक्ति जो है इसके पास ऑप्शन है कि ये जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार कर सकता है। अच्छा, इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर ये कंसेंट जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन में की गई है लेकिन साइलेंस के द्वारा, ठीक है, तो मेयर साइलेंस जो है वो अपने आप में मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होता, लेकिन हाँ जहाँ बोलना चाहिए और वहाँ पर आप शांत रहें तो वो गलत होता है। इसका एक्सेप्शन देख लीजिएगा। अब आ जाइए 19 ए बात करता है पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अंड्यू इन्फ्लुएंस। जहां पे कंसेंट एक दी गई है टू एन अग्रीमेंट और वो अंड्यू इन्फ्लुएंस के तहत दी गई है, तो अग्रीमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है, दैट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज हुज कंसेंट वॉज सो कॉस्ट। 19 ए। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20 हमसे ये कहता है अग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। जहां पे दोनों पार्टीज एक अग्रीमेंट के अंतर्गत किसी फैक्ट को लेके मिस्टेक कर गई हैं, तो ये अग्रीमेंट अपने आप में वॉइड है, ठीक है, किसी फैक्ट को लेके अगर मिस्टेकन है तो ये अग्रीमेंट वॉइड है। लेकिन सेक्शन 21 कहता है कि इफेक्ट एज टू मिस्टेक्स ऑफ लॉ क्या होगा। तो सेक्शन 21 कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स ऑफ इंडिया हुआ है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं करार होगा। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज बाय द मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, बट अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ एक्ट।
अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी मिस्टेक है एज टू लॉ इन फोर्स इन इंडिया, तो इसको जो है वॉइडेबल नहीं करार किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी मिस्टेक है एज टू लॉ नॉट फोर्स इन इंडिया, यानी कि आपने कोई ऐसा लॉ लिख दिया जो कि है ही नहीं भारत में फोर्स में, तो इसको उसी इफेक्ट के लिए माना जाएगा जैसे कि आपने एक फैक्ट में जो है गलती की, और फैक्ट के लिए 20 बोलता है कि वो वॉइड होगा। सेक्शन नंबर 22 पे आ जाइए। सेक्शन 22 कहता है कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है एक पार्टी के तहत मैटर ऑफ फैक्ट पे कुछ गलती आ रही है, यानी कि फैक्ट को लेके कुछ दिक्कत है और उसकी वजह से किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा केवल इतनी सी चीज के लिए। सेक्शन 23 कह रहा है व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। सेक्शन 23 हमसे कहता है कि कौन से कंसिडरेशन, जो 2D में पढ़ा है कंसिडरेशन, वो लॉफुल होते हैं और कौन से नहीं। तो कोई भी कंसिडरेशन या कोई भी ऑब्जेक्ट लॉफुल है, जनरली लॉफुल होता है, अगर वो लॉ के द्वारा फॉरबिडन है तो वो लॉफुल नहीं है यानी अनलॉफुल है। अगर उसका नेचर ऐसा है कि वो लॉ के किसी प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है तो अनलॉफुल है। अगर फ्रॉडुलेंट है तो अनलॉफुल है। अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी या व्यक्ति को इंजरी पहुंचाता है तो अनलॉफुल है। अगर कोर्ट उसको इमोरल रिगार्ड करता है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी रिगार्ड करता है तो भी गाइज वो इमोरल सॉरी वो अनलॉफुल है क्या कंसिडरेशन, ठीक है। और जहां पे कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है वहां पे पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन वॉइड होगा, याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 23 ये था। अब आ जाइए आप लोग सेक्शन नंबर 24 पे। सेक्शन 24 हमसे कहता है कि अग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। सेक्शन 24 हमसे कहता है कि जहां पे पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशंस फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द अग्रीमेंट इज वॉइड। सेक्शन नंबर 24 हमसे ये कहता है कि मान लीजिए सेक्शन नंबर 24 हमसे ये कहता है कि अगर एक कंसिडरेशन है, ठीक है, अगर एक ट्रांजैक्शन है, लेटर से एक सिंगल ट्रांजैक्शन जा रहा है, ठीक है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में दो या दो से अधिक चीजों के लिए कंसिडरेशन की बात की जा रही है। अब अगर उसमें से कोई भी कंसिडरेशन वॉइड है, अगर कोई भी कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन वॉइड है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, अलग अलग ट्रांजैक्शन नहीं है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन है और उसकी कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है, तो पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो वॉइड होगा। सेक्शन 24 हमसे कह रहा है इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ द सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द अग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 हमसे कहता है अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। प्लीज रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अनलेस इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड और इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन और इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेब्ट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इट बिकॉज आई एम गोइंग टू हैव इट शॉर्ट क्रिस्प एंड स्वीट इफ पॉसिबल। सेक्शन 25 कह रहा है कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है। अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शन है। पहला, वो वॉइड तब नहीं है जब वो राइटिंग में है, वो वॉइड तब नहीं है जब वो रजिस्टर्ड है या राइटिंग में है, यानी कि पहला, वो वॉइड तब नहीं है जब वो एक प्रॉमिस है टू कंपनसेट समथिंग, वो वॉइड तब नहीं है जब दैट इज टू अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेब्ट। सो देर आर थ्री थिंग्स, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, प्रॉमिस एंड टाइम बार्ड डेब्ट। सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 26 पे आप आ जाइए। सेक्शन नंबर 26 जो आपसे बात करता है वो कहता है कि अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आर वॉइड। सो एनी अग्रीमेंट, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो आपको एक व्यक्ति से शादी करने से रोकता है अदर देन अ माइनर ऑब्वियसली इज वॉइड। सेक्शन नंबर 27 कहता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। इसका एक्सेप्शन है, आई टेल यू, हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ी हुई है तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। बट एनी वे सेक्शन नंबर 27 जो है वो कहता है कि कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है लॉफुल प्रोफेशन करने से रोके तो इट इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड। एक्सेप्शन है इसका सेविंग ऑफ अग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस इन विच गुडविल इज सोल्ड। तो इसका ये गुडविल जो है ये वाला आपका पार्टनरशिप एक्ट में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, एक्सेप्शन है। सेक्शन नंबर 28 पे आ जाइए। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिससे जो है किसी भी व्यक्ति को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं ला सकता दूसरे के खिलाफ, वो वॉइड है।
अब इसके भी एक्सेप्शन है। पहला तो ये कि अगर आपने भाई आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल रखा है तो वो आर्बिट्रेशन में जाएगा, और अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए जा चुके हैं, ऑलरेडी रेफर किए जा चुके हैं, तो उनको लाने के लिए कोई फालतू में डिस्प्यूट लाने की जरूरत नहीं है। तीसरा इन्होंने एक्सेप्शन दिया है सेविंग ऑफ अ गारंटी एग्रीमेंट ऑफ अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं तो वो अपनी खुद ही उसमें आपसे जो है प्रोविजन लिख देते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आप पहले बैंक के पास आएंगे फिर हम कोर्ट जाएंगे, तो ये सारी चीजें उसमें ओके होती हैं। अब इसके बाद आप लोग आ जाइए सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 जो है वो अनसर्टेनिटी की बात करता है और कहता है कि ऐसे अग्रीमेंट जो अनसर्टेन है वो अपने आप में वॉइड है। यानी कि ऐसी चीज जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे 100 लीटर तेल दे दो। अब 100 लीटर तेल किस चीज का देते हैं भाई? सूरजमुखी का तेल देते हैं, तिल का तेल देते हैं, सरसों का तेल देते हैं, ऑलिव ऑयल देते हैं, कौन सा तेल देते हैं? तो ये क्योंकि अनसर्टेन है इसलिए दैट इज वॉइड। सेक्शन नंबर 30 जो है वो कहता है अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वुड, ऐसे कोई भी अग्रीमेंट जो है जो वेजर की बात करते हैं यानी सट्टा लगाने वाली चीज है जिसकी आओ चलो भाई लगाते हैं और जो शर्त लगाते हैं, तो ये जो शर्त वाले होते हैं अग्रीमेंट्स दैट आर वॉइड। अब इसका जो एक्सेप्शन है वो है आपका हॉर्स रेसिंग, ठीक है, याद रखिएगा। सेक्शन 294A ऑफ IPC इसमें अफेक्ट नहीं करता है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। चैप्टर 3 पे अब हम आ जाते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की जो बात करता है। गाइज जब हम चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो सेक्शन नंबर 31 में कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को करना या नहीं करना, किसी चीज को करना या नहीं करना अगर कोई भी इवेंट इस करने या ना करने पे निर्भर करता हो, इस चीज के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 आइए पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। ठीक है, ए ने बी से कहा कि मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा, तुम जाके सी का घर जला दो। तो अब अगर बी जो है सी का घर जलाएगा तो उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, अगर नहीं जलाएगा तो नहीं मिलेंगे। ये है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 32 है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो किसी चीज के होने पर निर्भर करेंगे, ठीक, वो सेक्शन 32 में उनकी बात की गई है। और ये कहा गया है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो किसी चीज के होने या ना होने पर निर्भर करेंगे, अगर एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के ऊपर बेस्ड हैं, तो इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अंटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड। और अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। जैसे कि ए ने बी से कहा कि अगर तुम्हारा जो है घोड़ा वो रहते हुए 30 साल तक जिंदा रहेगा तो मैं जो है बी की शादी सी से करा दूंगा। अब आगे फ्यूचर के ट्रांजैक्शन का नहीं पता है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो भाई बी की शादी सी से हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी प्रकार से, जैसे घोड़ा भाग गया या घोड़ा आपको कभी मिलेगा ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल हो गया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। सेक्शन नंबर 33 पे जब हम आ जाते हैं इन्फोर्सिबल ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो किसी चीज के ना होने पे अगर निर्भर करते हैं, तो जब वो चीज ना हो या इम्पॉसिबल हो जाए तभी उस चीज को जो है इन्फोर्स कराया जा सकता है, उससे पहले नहीं। जैसे कि ए ने बी से अगर ये कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा अगर ये शिप कभी वापस नहीं लौटेगी, तो अब जो शिप गई है वो जो है समुद्र में खो गई है, जो शिप गई है वो समुद्र में टूट गई है, तो ऐसे में ऑब्वियस सी चीज है कि वो वापस नहीं लौटेगी, तो ए बी को 10,000 रुपये देगा। सेक्शन नंबर 34 हमसे कहता है व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। सेक्शन 34 हमसे कहता है कि अगर एक फ्यूचर इवेंट कॉन्ट्रैक्ट का कंटिंजेंट है, ठीक है, और इस प्रकार से कंटिंजेंट है कि एक व्यक्ति जो है एक अनस्पेसिफाइड टाइम पे किसी चीज को कह रहा है कि वो होगी या नहीं होगी, तो ऐसे में उस व्यक्ति को एक डेफिनेट टाइम के अंतर्गत उस पे एक्ट करना पड़ेगा। सेक्शन 34 आइए पढ़ देती हूँ आपके लिए। इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट इज द वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, द इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल दैट ही शुड सो एक्ट विद इन एनी डेफिनेट टाइम और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कंटिंजेंसीज। इलस्ट्रेशन जैसे है कि ए ने बी से अग्री किया कि वो उसको पैसे देगा अगर बी सी से शादी करेगा, सी जो है सॉरी सी हाँ बी सी से शादी करेगा। अब सी ने जो है डी से शादी कर ली, तो बी की सी से शादी नहीं हो सकती है ना। एक केस तब हो सकता है बी की सी से शादी जब भाई ऑब्वियस सी चीज है कि डी ना रहे, तो फिर बी की सी से शादी कराई सकती है। तो अभी फिलहाल तो जो है सी जो है वो इम्पॉसिबल है, ऑल्दो ये पॉसिबल तब हो सकता है व्हेन डी में डाय एंड सी में आफ्टरवर्ड्स मैरी बी।
तो सेक्शन 34 कह रहा है कि अगर कोई फ्यूचर इवेंट इस प्रकार का है कि एक अनस्पेसिफाइड टाइम दिया है, तो जब टाइम था तभी उस पर एक्ट करना पड़ेगा, वरना वो वैसे के वैसे ही रह जाएगा। सेक्शन 35 कहता है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड विच आर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम्स। जहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ के होने या ना होने पे निर्भर करते हैं, तो अगर एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट होता है किसी फिक्स टाइम पे, अगर इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन्स विद इन अ फिक्स टाइम, बिकम्स वॉइड इफ एट द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड। अगर किसी फिक्स टाइम पीरियड के अंतर्गत किसी कंटिजेंसी की बात की गई है, तो वो उसी फिक्स टाइम पीरियड के अंतर्गत हो। अगर ऐसा नहीं होता गाइज, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। सेक्शन नंबर 35 हमें ये बोलता है। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 36। सेक्शन 36 है इंपॉर्टेंट। सेक्शन 36 कहता है, अग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। सेक्शन 36 हमसे कहता है कि कंटिंजेंट अग्रीमेंट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, कंटिंजेंट अग्रीमेंट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर वॉइड, वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नोन और नॉट नोन टू द पार्टीज टू द अग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट वाज मेड। देखिए, ये इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है सेक्शन 36। इम्पॉसिबल का मतलब है कि मैं आपसे बोल दूं कि दो पैरेलल लाइनें मिलेंगी, नहीं मिलती हैं, कभी नहीं मिलेंगी, तो दो पैरेलल लाइनें मिल ही नहीं सकती हैं, तो ये इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है। और सेक्शन 36 कहता है कि जो इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वॉइड होते हैं। ठीक है, वॉइड होते हैं, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर नंबर 4 कहता है उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जिनको परफॉर्म करना है। तो सेक्शन नंबर 37 हमसे कहता है कि अगर जो पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बाउंड हैं, वो बाउंड हैं, ऑब्लिगेशन है उनका कि वो या तो परफॉर्म करेंगे अपनी प्रोमिसेज, या फिर अगर उनके अलावा कोई कर सकता है इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उनसे कराएंगे। तो आप इसमें देखें तो लिखा हुआ है, प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रोमिसर्स बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरली जो प्रोमिसर्स होती हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर्स को भी बाइंड करती हैं, कि अगर वो उनके द्वारा किया जाने जा सकने वाला काम है तो वो भी करके दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी से प्रॉमिस किया कि वो उसको 100 रुपये देगा, तो अब अगर ए की डेथ हो जाती है तो ए का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बी को 100 रुपये देगा। लेकिन वही अगर ए ने बी से बोला है कि वो उसको उसकी पोर्ट्रेट बना के देगा, तो बी अगर पेंटर नहीं है या बी अगर पोर्ट्रेट नहीं बना पाता है, तो ये काम वो नहीं कर पाएगा, या मतलब कि जो उसका रिप्रेजेंटेटिव नेक्स्ट आएगा। सेक्शन नंबर 38 पे आ जाइए, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन नंबर 38 कहता है कि जहां पे एक प्रोमिसर ने ऑफर किया है किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करने का, और उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो जब ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो सेक्शन 38 कह रहा है कि प्रोमिसर फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं है नॉन परफॉर्मेंस के लिए, ना ही वो अपने राइट्स खोता है कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। फिर से, जहां पे मान लीजिए मैंने आपको एक प्रॉमिस की, ठीक है, आपने उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने उस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो नाउ आई एम नॉट लायबल टू परफॉर्म दैट प्रॉमिस बिकॉज यू हैव नॉट एक्सेप्टेड इट, एंड देयरफॉर आई विल नॉट बी लायबल टू एनी अदर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 38। सेक्शन 38 हमसे ये कहता है कि एवरी सच ऑफिसर मस्ट फुलफिल द कंडीशंस। अभी जो ऑफर है इसमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो पहला, ये अनकंडीशनल होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे दिया होना चाहिए। ये ऑफर जो है इज ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, तो प्रोमिसी के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ये देखने के लिए कि प्रोमिसर ने उसको सही चीज दी है कि नहीं दी है। सेक्शन नंबर 38। अब आप लोग आ जाइए सेक्शन नंबर 39 पे। सेक्शन नंबर 39 कहता है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। जहां पे पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ने रिफ्यूज कर दिया है कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, या उसने अपने आप को डिसेबल कर लिया है परफॉर्म करने से, कि वो पूरी की पूरी प्रॉमिस नहीं परफॉर्म कर सकता है, तो प्रोमिसी के पास ये हक है कि प्रोमिसी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, प्रोमिसी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, अनटिल अनलेस उसने जो है किसी भी प्रकार से हामी ना भरी हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं और मैं हूं, मेरे और आपके मध्य में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप जो है रोज मुझे 9 से 10 गाना गा के सुनाएंगे, ठीक है, रोज। तो अब क्या हुआ कि आप 4 दिन आए, आपने मुझे 9 से 10 गाना गा के सुनाया, लेकिन आप 5वें दिन नहीं आए, फिर आप 6ठे दिन आए, तो मैंने आपको कुछ नहीं बोला और आपने 9 से 10 मुझे गाना गा के सुनाया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो सेक्शन 39 कह रहा है कि जब आप 5वें दिन आए, तो मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं आपको मना कर देती कि नहीं, अब मेरे को आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, और अगर मैंने मना नहीं किया और मैंने कंटिन्यू कर लिया, तो अब बाद में जाके मैं उसको वापस से रिसाइन नहीं कर सकती हूँ। सेक्शन नंबर 39 हमसे ये कहता है।
सेक्शन नंबर 40 पे आ जाइए। सेक्शन नंबर 40 जो है वो बात कर रहा है बाय होम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड। तो सेक्शन नंबर 40 जो है यहाँ से आई थिंक हम लोग कल स्टार्ट करते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। आई मीन नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करती हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका एक पार्ट में हम लोगों ने इतना पढ़ा, एक पार्ट में हम लोग इतना पढ़ेंगे। तो आई थिंक इतने टाइम में इतने सेक्शन सेक्शन 40 तक आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन एक्सप्लेन एज इन की रिवाइज करा दिया है। होप आपको बढ़िया लगा होगा ये वीडियो। अगर लगा है देन यू कैन ऑब्वियसली हिट द लाइक बटन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। द नेम ऑफ माई चैनल इज कोचिंग क्लासेस बाय ऐश। यूट्यूब पे आप जैसे ही डालेंगे कोचिंग क्लासेस बाय ऐश, आपको मेरी एक फोटो दिख जाएगी इसी चश्मे के साथ। यू कैन फॉलो मी देयर, दैट्स माई यूट्यूब चैनल। उस पर मैं माइनर एक्ट्स कंप्लीट करा रही हूँ। अच्छा गाइज, इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन अकेडमी एज वेल। सो यू कैन यूज माई कोड आशा लॉट इन, एंड आशा लॉट इन यूज करके यू कैन गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन दैट यू चूज। यू कैन ऑल्सो यूज माई अनदर कोड। सो माई नेम इज आशा एंड आई एम लाइव विद यू, सो दैट ऑल्सो गोज एज द कोड। यू कैन यूज दिस कोड फर्दर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग द जुडिशरी पीसीएसजी स्कॉलरशिप टेस्ट 2023 फॉर यू पीपल, एंड इट इज गोइंग टू बी कमेंस्ड ऑन कंडक्टेड ऑन January 15th। ड्यूरेशन इज आई मीन द टाइमिंग्स आर 12 PM, एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप्स अप टू 100%। रैंक वन एंड रैंक टू टू फाइव होल्डर्स विल गेट अ चांस टू मीट अनिल खन्ना सर एंड तांसु पलिवा सर रिस्पेक्टिवली, एंड रैंक 6 to 1000 विल ऑल्सो गेट एन अकेडमीज एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप। सो एनरोल नाउ टू गेट द बेनिफिट। Now we have Safalta 2.0 Bihar Judiciary Batch, which is going to start on January 12th. The duration is for 9 months. If not already enrolled, then you can get yourselves enrolled. We have the Karnataka State Judiciary Comprehensive Batch, which has started from 5th of January. Duration is for 6 months. The batch is in Kannada as well as in English. So if you have not subscribed, you can subscribe using my code AashaLotin or AashaLive. Then we have the Prarambh 18-month Judiciary Foundation Batch 2022 for all the state judiciary exams. It has started from 27th of December. Duration is for 18 months. If not already enrolled, then you can get yourselves enrolled. We have the Rapid Revision for UP and Chhattisgarh Judiciary. It started from 20th of December. Duration is for 3 months. You can subscribe now to avail the offers. And I am taking your classes for the Sankalp Batch. Now guys, you can scan the QR to enroll the revamp test series. अभी revamp test series क्या है? तो revamp test series में you people are going to get full length questions, previous year questions and mock test papers. And we are launching the mains test evaluation for plus learners. We are launching the judgment writing and local law subjective test for the iconic learners. So if not already enrolled, you can get yourselves enrolled. Now you can see judiciary January 2023 test calendar is on your screens. You get the major laws, case laws, current affairs, prelims, previous year questions, prelims, full length mock test, mains test series, local laws test series, mains full length mock test and judgment writing test. So you can subscribe now to avail the offers. You can see the Unacademy subscription on your screen plus an iconic ke liye. You can see the price after the referral code and what are the savings also. Just go with it, and if you have any confusion, any queries, please feel free to ask, and you can also visit the homepage. Now we have the monthly current affairs known as Articulate by Unacademy. Coming soon with you people. So this is a coming soon project. You can join us on our channels. Judiciary Preparation with Unacademy, Unacademy Judiciary and Judiciary World. The name of my channel is Coaching Classes by Ash, A-I-S-H. And we are also available on Telegram by the name Unacademy Judiciary PCSJ, Judiciary World and Linking Laws. मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको आपके सबटाइटल्स में मिल जाएगा, तो ढूंढ लीजिएगा और आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखती हूँ गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कीप ऑन लाफिंग, लविंग, लिविंग एंड ऑल्सो स्टडिंग। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। सो स्टे ट्यून एवरीबडी, एंड यू कैन ऑल्सो विजिट मी ऑन माई चैनल ऑन यूट्यूब कोचिंग क्लासेस बाय आश। सी यू देयर, बाय बाय।